मंडल मुख्यालय पौड़ी में अंकिता की न्याय के लिए सड़कों पर विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ छात्रों ने रैली निकालकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जमकर कहासुनी और बहस हुई। वहीं कुछ प्रदर्शनकारियों को इस दौरान हल्की चोटें भी आईं। वहीं प्रदर्शनकारी को शांत करवाने के लिए खुद जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे उनके पास पहुंचे और लोगों से शांति व्यवस्था की अपील की। वहीं प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधि ने जिलाधिकारी को ज्ञापन पत्र भी सौंपा। अंकिता हत्याकांड के बाद से अब तक राज्य के लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ है। पौड़ी जिला मुख्यालय पर अंकिता की न्याय के लिए लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शनकारियों ने मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की मांग की। साथ ही संदिग्ध आरोपियों के गिरफ्तारी में हो रही देरी पर हंगामा किया और अंकिता हत्याकांड से जुड़े वीआईपी के नाम का खुलासा करने की भी मांग की गई। पौड़ी से मुकेश बच्छेटी की रिपोर्ट। शुरू के दिन से इस केस को देखते आ रहे हैं और आज 18 तारीख के बाद मैं आज ही वापस यहाँ पौड़ी जनपद में भी आई हूँ। जितना हम देख रहे हैं, जितना मामलों को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सीधे तौर पे सत्य है कि साक्ष्य को छुपाया जा रहा है। पुलकित आर्य के पिता विनोद आर्य वास्तविक तौर पे क्यों बाहर है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। छात्र संघ के द्वारा जो है आज सुबह एक रैली का आयोजन किया गया था। 11 बजे से रैली शुरू होनी थी और उसके पश्चात फिर वो अपना बात को रखने के लिए कलेक्ट्रेट ज्ञापन देने के लिए वो आए थे। आज की जो एक दिशा की बैठक थी उस कारण से मेरा आना नहीं हो पाया था, लेकिन उनके द्वारा ये बार बार आग्रह किया जा रहा था कि जिलाधिकारी महोदय से हम लोग वार्ता करना चाहते हैं और मैं ज्ञापन देना चाहता हूँ।